स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 11th साइंस स्टूडेंट के लिए मॉडल पेपर को लेकर आइए। तो आज दोस्तों फाइनली क्लास 11th साइंस स्टूडेंट का केमिस्ट्री का दोस्तों हम लोग जो मॉडल पेपर सेट वन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 बहुत ही ज़्यादा दोस्तों नज़दीक है और इस समय अभी आप इसके तैयारी में नहीं हैं तो इसके तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 साइंस स्टूडेंट के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब। ठीक है, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम ठीक है 2024 में 4K रख दे। जिस प्रकार दोस्तों आप 2023 का बोर्ड एग्जाम दिए थे और बहुत ही अच्छा नंबर इस चैनल से आप प्राप्त किए थे, उसी तरह से क्लास 11 में 2024 में साइंस स्टूडेंट आज की इस वीडियो को देखने वाले हैं और इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसको देखिए ताकि बोर्ड एग्जाम 2024 में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज के इस वीडियो में हम लोग जो है दोस्तों क्या देखने वाले हैं, तो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची मॉडल सेट ठीक है यानी कि मॉडल पेपर क्लास 11 केमिस्ट्री का हम लोग आज के इस वीडियो में मॉडल पेपर देखने वाले हैं, कक्षा 11 विषय रसायन शास्त्र। ठीक है, और ये जो दोस्तों आपका जो मॉडल पेपर है देख लीजिए यहाँ पर 2023 का है, और जो 2023 का जो मॉडल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो भी मॉडल पेपर है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेक बोर्ड क्वेश्चन नया नहीं जारी करता, वो पुराना ही क्वेश्चन को फिर से रीअपलोड करता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और आप जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल से पढ़ने में कुछ लाभ या सहायता मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों पहला प्रश्न कहता है, और बहुत ही अच्छे ढंग से हम आपको दोस्तों समझाएंगे, एक एक प्रश्न को समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला प्रश्न कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल फॉर विच एल इज इक्वल टू 3, यानी कि अगर पहला में बोला कि L का मान 3, ठीक है, L जो आपका L जो है बराबर है 3 के, अगर मान वाले उपकोष में ठीक है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो इसको बिना सॉल्व करे तो आप बनाएंगे नहीं, तो बिना सॉल्व करे कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, करते हैं। ठीक है, देखिए इधर साइड में दोस्तों लिखना है सबसेल, ठीक है, क्या निकला है सबसेल, ठीक है, ये आपका हो गया सबसेल, इधर हो गया हम लोग लिख लिए सबसेल, इधर में दोस्तों आपको लिखना क्या लिखना है एल का वैल्यू, एल का आपका लिखना वैल्यू, चलिए ये हो गया एल का वैल्यू, इधर दोस्तों लिखना है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए सबसेल चार को होता है, क्या क्या होता है एस पी डी और एफ। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, अगर सबसेल एस है तो एल का वैल्यू दोस्तों कितना होगा, एल का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए 0, ये किसके लिए है, ये एस के लिए, एस अगर सबसेल है तो एल का वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर सबसेल पी है तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 लिख दिए। सबसेल डी है दोस्तों तो एल का वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ लिख दीजिए। सबसेल एफ है तो एल का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, यदि सबसेल एस था एल का वैल्यू 0 है तब इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा अगर सबसेल ए से एल का वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपका हो जाएगा कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2। ठीक है, सबसेल पी है एल का वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो जाएगा, के हो जाएगा आपके देखिए 2 है, इसमें 4 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा 6, तो 6 हो गया। ठीक है, सबसेल डी है एल का वैल्यू 2 है आपका, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, अगर आपका सबसेल एफ है एल का वैल्यू 3 है तो आपका सबसेल हो जाएगा 14। अब देखिए जो प्रश्न पूछा उन उसके अनुसार हम लोग चलते हैं, तो प्रश्न पूछा है कि अगर एल जो आपका एल बराबर 3 हो तो उस वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। देखिए एल में आपका 3 बोला, ठीक है, ये आपका 3 हो गया, तो ये कौन सा सबसेल में है, एफ सबसेल में है, एल का वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना गया, तो ये आपका 14 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पहला का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14। ठीक है, चलिए यानी कि 14। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न दोस्तों कहता है मोलिकुलर मास ऑफ ए हैवी वाटर इज
यानी कि भारी जल का आणविक द्रव्यमान है। तो देखिए जो आपका हैवी वाटर है, ठीक है, एच ई ए वी वाई हैवी, डब्ल्यू ए, ठीक है, डब्ल्यू ए टी ई आर हैवी वाटर, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं डी टू ओ। क्या लिखते हैं डी टू ओ, इसका आणविक द्रव्यमान पूछा, ठीक है। तो डी का आपका क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास होता है कितना होता है, दो होता है, गुना में दो है तो गुना में दो दे दीजिए, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो दुना चार हो गया, प्लस में 16 हो गया, तो 16 चार कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो आपका हैवी वाटर यानी कि भारी जल का आणविक द्रव्यमान कितना निकलेगा, 22 निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका सी होगा 22। चलिए आगे दोस्तों, तीन नंबर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड ऑन ए टेम्परेचर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से सांद्रता इकाई तापमान निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करती है। तो देखिए जो आपका कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पर जो निर्भर करेगा वो दोस्तों आपका है मोलारिटी, यानी कि हम लोग कहते हैं मोलरता जो है टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कि ए नंबर, ठीक है। चलिए चार नंबर दोस्तों कहा है द वैल्यू ऑफ ए क्वांटम नंबर फॉर 2p ऑर्बिटल आर, यानी कि 2p यानी कि 2p कक्षा के लिए क्वांटम संख्या का मान होगा। तो देखिए दोस्तों 2p बोला है, इसके लिए क्वांटम संख्या के लिए क्या होगा, क्वांटम संख्या का मान कितना होगा, 2p कक्षा जब दिया गया है, 2p आपका जो क्या दिया है ऑर्बिटल दिया है, तो क्वांटम नंबर पूछा है कितना होगा। तो क्वांटम नंबर होगा दोस्तों, देखिए 2p दिया तो n का वैल्यू हो जाएगा 2 और आपका l का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा n बराबर 2 l बराबर 1, ठीक है। चलिए पांच नंबर दोस्तों बोला है which one of the following will have the largest number of the atom, निम्नलिखित में से किस में परमाणु की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है, किस में दोस्तों परमाणु का संख्या जो सबसे अधिक होगा, कैल्शियम में होगा यानी कि 1 ग्राम कैल्शियम में, या फिर नए आपका सोडियम में, लिथियम में, या फिर क्लोराइड में। कैल्शियम दिया गया है, सोडियम दिया गया है, लिथियम दिया गया है, क्लोराइड दिया गया है, तो कौन से परमाणु संख्या का जो है परमाणु संख्या सबसे अधिक होगी, तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है लिथियम का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर लिथियम, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो छः नंबर कहता है एफ ई इज, तो एफ ई है, एफ ई कौन ब्लॉक में आता है दोस्तों, अगर ब्लॉक आप पढ़ें तो आपको पता होगा जो एफ ई है, ठीक है, कौन से ब्लॉक में आता है, तो ये आपका डी ब्लॉक में आता है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि डी ब्लॉक वाला तत्व है एलिमेंट, आपका हो जाएगा एफ ई, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों सात नंबर बोलता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंसन ऑफ ए 16 ग्राम ऑफ द मिथेन, 16 ग्राम मिथेन के दहन से उत्पन्न जल की मात्रा क्या होगी। सबसे पहले क्या बोले, 16 ग्राम मिथेन, मिथेन को कैसे लिखते हैं, CH4, इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दीजिए तो यह हो जाता है, क्या हो जाता है, बनाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 बना देता है और आपका जल बना देता है, ठीक है, प्लस H2O बना देता है। जो ये जो लिखा है दोस्तों ये संतुलित है, लग रहा है आपको संतुलित है, नहीं तो संतुलित नहीं, इसको संतुलित कीजिए। देखिए यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए ताकि आपका हाइड्रोजन 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों आपका ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर हो गया 2 और ये आपका 2, यानी कि 4 ऑक्सीजन इधर है, इधर देखिए तो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ये आपका हो गया 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए अब बाकी सी आपका कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, अगर एक आपका क्या होता, एक आपका क्या, एक कार्बन मोल में, ठीक है, आपका कितना है, तो 2 मोल आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यानी कि पानी है, तो यहाँ पर दोस्तों उसमें पूछा है कितना, 16 ग्राम मिथेन में, ठीक है, यानी कि CH4 इज इक्वल टू हो जाएगा जो आपका है 2H2O, ठीक है। देखिए CH4 का पहले ही से बोल दिया इसका जो क्या 16 ग्राम, अगर इसको आप लिखेंगे तो C का मोलर द्रव्यमान होता है 12, H का होता है 1 गुणे में 4, तो 4 लिख दीजिए इज इक्वल टू, इसका भी देख लेते हैं लगल से ही, ठीक है, यानी कि इसको अगर देख लीजिए तो 12 और 4 कम 4 कितना हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, यानी कि 16 और इज इक्वल टू में देखिए आपका 2 इसका गुणा में पूरा का गुणा में, तो इसको भी छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन का 1 होता है गुणा में 2 है और ऑक्सीजन का आपका होता है 16, तो हो गया ये आपका हो गया 2 एकम 2, ठीक है, यानी कि 2 1 2 प्लस 16, तो 16 2 हो जाएगा ये आपका 18, और ये दोस्तों पूरा में गुणा में 2 है तो 2 ले दीजिए, तो 18 2 9 हो जाएगा 36, यानी कि अगर आप 16 ग्राम मिथेन को दहन कीजिएगा, जलाइएगा 16 ग्राम CH4 को जलाइएगा, तो आपका जो जल बनेगा वो 36 ग्राम बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा 36 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो उतना मिथेन एक बार जला के देखिएगा कितना जल बनता है, ठीक है। चलिए आठ नंबर दोस्तों बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, तो 2D5 आपका संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, 20 का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बोलता है 9 नंबर की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल ऑफ CO एटम इज, एटम इज कॉपर परमाणु के चौथे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए। CO तो कॉपर का एटॉमिक नंबर पहले आपको पता होना चाहिए, जो कि आपका होता है 29, जिसको हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़िए 29 को, ठीक है, तो 29 जो आपका परमाणु संख्या है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1s2, ठीक है, 2s2 और आपका क्या हो जाएगा 2p6, इधर हो गया आपका 3s2 3p6 ठीक है 6, और आपका हो गया ये 3d पी हो गया 3d10 और आपका 4s1 ठीक है। अब इसको देखिए, जोड़ के देखिए 29 होता है कि नहीं, 2, 2, 4, 6 आपका 10 हो गया, 10, 2, 12, 12, 6 कितना हो जाएगा 12, 6, 18, 18 और 10 हो गया 28, 28, 1, 29 तो ये टोटल 29 हो गया। तो लास्ट में आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा तो लास्ट में कितना 4 हुए, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो लास्ट वाला 4 यानी ये 4 सेल ठीक है, 4 सेल पे जो इलेक्ट्रॉन है कितना है 1 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का चौथे क्वेश्चन संख्या कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए डी नंबर, ठीक है, डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, चौथे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना है 1। 10 नंबर दोस्तों बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स विल हैव द लार्जेस्ट साइज, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा, तो देखिए जो मैग्नीशियम है, ठीक है, इसका आकार सबसे बड़ा होगा। अब बोलेगा सर Mg और प्लस में 2 है, ठीक है, जो कि Mg प्लस 2 आपका बगल में दिया गया है, तो इस पर आयन चढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आयन चढ़ने वाला से ज़्यादा होता बिना आयन का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर दोस्तों कहता है द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, परमाणु संख्या 35 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका कौन सा ब्लॉक से संबंधित है, तो 35 वाला जो आवर्त सारणी में कौन सा ब्लॉक से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा किसका 35 11 का जो ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है, पी ब्लॉक से संबंधित है, ब्लॉक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 12 हो गया, ठीक है, 12 नंबर कथा IUPAC सिंबल ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 129 यानी कि 129, ठीक है, परमाणु क्रमांकांक, ठीक है, परमाणु क्रमांकांक 129 वाले तत्व का IUPAC प्रतीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि जो एटॉमिक नंबर कितना है 129, ठीक है, देखिए 1 में दोस्तों हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, UN हो गया UN, ठीक है, 1 का UN हो गया UN, 2 का हो गया दोस्तों आपका क्या हो जाएगा BI हो गया, और 9 में लिखिएगा क्या होगा आपका हो जाएगा EN, ठीक है, EN हो गया। अब यहाँ पर IUM हम लोग जोर देते हैं, तो IUM और इसको पूरा बनाइएगा तो लिखिएगा UBE हो जाएगा, UBE यानी ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, तो यहाँ पर IUPAC जो प्रतीक होगा 129 वाला तत्व का ये आपका होगा UBE ऑप्शन नंबर बी नंबर। चलिए 13 नंबर दोस्तों कहता है हेलोजोन बिलोंग्स टू, हेलोजोन का संबंध किस समूह से है, तो समूह 14 भी है, 15 है, 16 है, 17 है, ग्रुप 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, लेकिन इसका जो संबंध है आपका 17 से होता है, यानी कि समूह 17 से, ग्रुप 17 से, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 14 नंबर कहता है कि चार्ल्स लॉफ्स द गैस गिव्स रिलेशन बिटवीन, यानी कि चार्ल्स का गैसों का नियम किसके बीच संबंध देता है, तो ये वॉल्यूम जो है आपका समानुपातिक टी, यानी कि आपका जो आयतन और तापमान के बीच, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर के बीच, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 15 नंबर कहता है विच इज द मोस्ट अबनेंट आपका क्या बोलता है एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, ठीक है, तो जब हाइड्रोजन चैप्टर को आप पढ़ेगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन ही रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है सिंगैस इज ए मिक्सर ऑफ, तो सिंगैस किसका मिश्रण है, तो सिंगैस दोस्तों आपका H2+ CO का मिश्रण है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए
आगे दोस्तों बढ़ते हैं तो 17 नंबर का था, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O में कितने हाइड्रोजन संबंधित जल के अणु है? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये तो लॉन्ग बनता है, इसमें सिंबल उम्बल आपको दिखना होता है, ठीक है, कितना कोवलेंट है, कितना कोऑर्डिनेट है आपको बताना है। और तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम आपको हिंट देते हैं, तो जो यहाँ पर देखिए जो आपको CuSO4 में जो 5H2O दे दिया है, और बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसका 5 होगा 5 नहीं होगा, देखिए कैसे होगा, इसको लिखिएगा CU, ठीक है, H2O का क्या हो जाएगा आपका H2O, बढ़िया से लिख दीजिए H2O4, और ये पूरा में चल जाएगा 2+ का आयन, और इधर हो जाएगा HS2SO4 2 माइनस, और आपका डॉट में H2O बन जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये आपका कॉपर में दोस्तों जो आपका क्या कॉपर में जो आपका हो जाएगा 2 कोवेलेंट हो जाएगा, और 2 आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, और 1 आपका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 1 आपका हो जाएगा तो सल्फेट आयन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चल गया आगे दोस्तों बढ़ते हैं 18 नंबर कहता है, देखिए ये जो प्रश्न है ये आपको अच्छी तरह से हम आपको बताएं, इसका इस टाइप का प्रश्न बहुत बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कार्बोक्सन इज ए मोस्ट स्टेबल, यानी कि निम्नलिखित में से किस कार्बन धायन कार्बन, ठीक है, नायन का आपका अस्तित्व सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखिए इसको इसमें आपका जो होता है क्या होता है, तो ये आपका दोस्तों देखिए 0 डिग्री से लेकर 0 से 12 1 डिग्री होता है, 1 से 12 2 डिग्री होता है, 2 से 12 3 डिग्री होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है CH3, ठीक है, और कार्बोनेक्शन आपका 3 डिग्री में चल जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए अगर इसको देखिएगा तो तीनों ओर से इसको बांधता है, ठीक है, कैसे बांधेगा, तो यहाँ पर हो गया CH3, इधर से हो गया CH3, इधर से हो गया CH3, तो यहाँ पर तीनों से बात, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 19 नंबर का था, द बेस्ट एंड द लेटेस्ट, ठीक है, टेक्निक फॉर द इसोलेशन आपका प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक के प्रतिकरण शुद्धिकरण और आपका क्या बोलता है शोधन के सर्वोत्तम न्यूनतम तकनीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 20 नंबर का था, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज ए नॉन हैज, तो कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है, तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट जो है लेमेस्टम कहलाता है, चूना पत्थर कहलाता है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 20 ही प्रश्न को सोल्व किए हैं, बाकी का वीडियो में हम लोग 20 और देखें तब आपका 40 हो जाएगा, ताकि आप जो अच्छी तरह से और भी पढ़ सके, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ तक हम आपको बताएं, और आप जो है आगे का वीडियो में आप देखेंगे, तो वीडियो दोस्तों देखने के लीजिए चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों टेंशन मत लीजिए सारा चीज़ कवर हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यही रखते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।